Like, subscribe and share, please. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र, आप सभी का मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे नोटपैड के विस्तार से जानकारी हम दिए थे। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। आज मैं जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो वर्डपैड की बहुत ही विस्तार से हिंदी में सरल तरीके से एक्सप्लेन किया हूं मैं। आप ये वीडियो इसलिए बनाया हूं कि आपके घर में जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, उनको भी आसानी से समझ सके, वो देख करके कर सके। अगर आप अभिभावक हैं या टीचर हैं तो आप सीख करके, समझ करके आप अपने बच्चे को भी जो है समझा सकते हैं, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। वर्डपैड का क्या काम है, वर्डपैड कैसे हमारा काम करता है, कैसे उसके टूल्स का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहां पे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको मिले। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, एक जो लाइक बनता है, एक लाइक हमें ज़रूर दे, चूँकि यही हमारी एनर्जी का काम करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग। इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या काम कर सकेंगे, क्या क्या हम लोग एबल हो जाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारी यही ज़रूरत है कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि वर्डपैड प्रोग्राम क्या है, वर्डपैड प्रोग्राम किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हमें हो जाएगी। दूसरा चीज़ जो हम लोग इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे कि वर्डपैड प्रोग्राम को कैसे हम खोलेंगे, वर्डपैड प्रोग्राम खोलने के लिए क्या तरीका है। ये दो तरीका हम बताएंगे इसमें, एक शॉर्टकट तरीका और एक ट्रेडिशनल मेथड, दोनों मेथड बताएंगे, तो जरूर आप देखें। तीसरा जो हम लोग इसमें सीखेंगे कि स्ट्रक्चर, वर्डपैड का स्ट्रक्चर क्या है, जब वर्डपैड खुलता है तो किसमें कौन कौन से पार्ट, कहाँ कहाँ, क्या नाम है उसका, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे इसमें। जो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे सारे टूल्स का प्रयोग, कि हम लोग कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे और उसको कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। और अगला हम ये सीखेंगे कि इस पे जो हम लोग मैटर बनाए हैं या जो भी चीज़ हम लोग बनाएंगे वो सारे चीज़ को प्रिंट कैसे करेंगे और उसके पेज को सेटिंग कैसे करेंगे, ये सीखना हम लोग को इसमें। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वर्डपैड, कि वर्डपैड हमारा जो है उसका डिफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं वर्डपैड, वर्डपैड हमारा क्या है। वर्डपैड हमारा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नोटपैड के बारे में, जो पिछले चैप्टर में हमने, नोटपैड से कैसी है भिन्न है वर्डपैड। नोटपैड में जो हम लोग टाइप करते हैं, नोटपैड हमें देता है केवल ब्लैक, यानी एक ही कलर, ब्लैक कलर में लिखने की अनुमति देता है, जबकि वर्डपैड में हम अलग अलग कलर में टाइप कर सकते हैं। इसलिए नोटपैड से बेहतर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं वर्डपैड में। ये भी दोस्तों जो है सिंपल वर्ड ही प्रोसेस कर रहा है, बट नोटपैड से बेहतर कलरफुल भी हम लोग टेक्स्ट को लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जो हमारा वर्डपैड है वो विंडोज का ही पार्ट है, यानी विंडोज जो प्रोग्राम होता है उसी का ये पार्ट है। जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी समय ये प्रोग्राम भी हमें मिल जाता है। इसे डिजाइन किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे भी डिजाइन किया गया है। तो नोटपैड से बहुत ही बेहतर है। इसमें हम लोग सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि खोलेंगे कैसे, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पर जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने एक बटन खुला होगा, ये दिख रहा होगा, इसमें मिलेगा आपको ऑल प्रोग्राम, यहां दिख रहा होगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप ऊपर आइएगा, एसओ सीरीज मिलेगा। ध्यान आप ये रखना है, मैं नोटपैड में बताया हूं कि अगर आपके पास विंडोज 7 से एबव का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें आपको मिलेगा एसोसीरीज के जगह पर विंडोज एसोसीरीज, और अगर विंडोज 8 से आपको नीचे वाला वर्सन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें मिलेगा आपको एसोसीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, एसोसीरीज पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम लोग एसोसीरीज पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पर वर्डपैड मिलेगा, देख लीजिएगा इस लाइन में कहीं भी मिल जाएगा। तो वर्डपैड पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग वर्डपैड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्ट्रक्चर खुल जाएगा वर्डपैड का। हम दूसरा स्ट्रक्चर और बताते हैं कि कैसे हम लोग जल्दी शॉर्टकट से फटाफट वर्डपैड को खोल सकें। उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, कि विंडोज की
और आर की को एक साथ दबाना होगा। क्या दबाना होगा? विंडोज की और आर की को एक साथ दबाना होगा, यानी विंडोज की और आर की जैसे कि हम लोग देखते हैं एक साथ दबाते हैं। जैसे विंडोज की आर की हम दबाएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला होगा, रन ऑप्शन खुला होगा। इसमें हमको लिखना क्या है, वर्ड पैड WORDPAD और दोस्तों वो को ओके पर क्लिक कर लीजिए या इंटर की दबाइएगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ड पैड का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर को हम लोग सीखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या काम करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या है? ये टाइटल बार है। इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। इसमें हमारा जो प्रोग्राम खुलता है उसका हेडिंग, यानी कि वर्डपैड खुला है तो वर्डपैड दिखाएगा, और साथ ही साथ हमारा इधर राइट साइड कॉर्नर में तीन बटन दिखाएगा। तीन बटन का जो नाम है वो फर्स्ट जो है हमारा है वो मिनिमाइज बटन। ये जो है मिनिमाइज बटन, इसको हम लोग मिनिमाइज बटन बोलते हैं। और उसके जस्ट बगल में ये मैक्सिमाइज बटन, ये क्या है? मैक्सिमाइज बटन। और जो तीसरा इसमें बटन जो दिया हुआ है वो है यहाँ पे क्लोज बटन, इसको हम लोग क्लोज बटन कहते हैं, क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन से क्या होता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो ये रिड्यूस होकर के यहाँ स्टेटस बार में आकर रुकेगा और ये मिनिमाइज छोटा रूप हो जाएगा। और जैसे हम लोग जो क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो जो है हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नीचे का, उसके जस्ट नीचे हम लोग आते हैं तो उसके नीचे हमको मिलेगा एक ये जो है यहाँ पे मेनू बार। ये क्या है? ये आपका मेनू बार है, इसको मेनू बार कहते हैं। मेनू बार में क्या क्या दिया हुआ है? हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाइल मेनू, यहाँ पे हमारा फाइल मेनू है। और उसके जस्ट बगल में देखिए तो यहाँ पे हमारा होम मेनू है, इसमें क्या है? होम मेनू है। उसके बगल में आप देखिएगा तो ये व्यू मेनू मिलेगा। ये कौन सा मेनू है? व्यू मेनू। तो ये तीन मेनू दिए हुए हैं, तीनों मेनू का हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके कि इस मेनू का क्या काम है। जो तीसरा स्ट्रक्चर इसमें है वो है हमारा रिबन। रिबन के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है कि रिबन क्या होता है। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के और ये पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं रिबन। तो ये आपका हो गया रिबन, इसको हम लोग बोलेंगे रिबन। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ये कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो हमारा है, ये जो देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से इसको हम सीएम में भी कर सकते हैं और इसको हम इंच में भी कर सकते हैं, जो आपको हम यहां से दिखाते देते हैं कि क्या है इसमें। इसे रूलर बार, ये क्या है? हमारा रूलर बार है, इसको रूलर बार कहते हैं। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे कि इसमें सेंटीमीटर में बदलना होगा तो कैसे हम लोग बदलेंगे, और अगर इंच में रखना होगा तो कैसे रखेंगे, इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जब हम लोग नीचे में क्या है, ये देखिए यहाँ पे स्टेटस बार है, इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एक स्टेटस बार जिसमें हमारा ये पेज को छोटा बड़ा करने के लिए भी ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ 100% प्लस माइनस कीजिएगा यहाँ से तो जो आपका पेज जो है वो आपका छोटा और बड़ा हो सकता है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको कि ये कैसे हमारा बड़ा हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे हम यहाँ पे अगर के माइनस करते हैं तो पेज की जो पेज है जो हमारा छोटा होगा, और यहाँ पर अगर प्लस करते हैं तो पेज जो है वो बड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर पूरा जान गए हम लोग। हम लोग को अब क्या जानना है कि इसके बीच में जो है ये, इसको पेज बोलते हैं। इस पेज पे हमको काम करना है। जो वर्किंग पेज होता है हमारा ये होता है। कौन सा पेज होता है? वर्किंग पेज हमारा ये होता है। इस पेज पे हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब देखते हैं इसमें कि कैसे हम लोग इसमें वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हम लोग कुछ पहले टाइप कर लेते हैं। दोस्तों हम कहीं दूसरे जगह से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक वर्ड जो है हमने क्या किया, टाइप कर लिया है, और इसको जो है हम लोग अब इसी पर काम करके सीखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग देख लेंगे कि हमको कहाँ से लिखना है। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हैं यहाँ,
और इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, जहाँ तक चाहे वहाँ तक हमारा लिखावट जो है चलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है लेटर यहाँ पे सेट हो जाता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको हम लोग कैसे, अब यहाँ पर लिखिएगा कोई भी चीज़ तो इधर नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ करके और आप ऐसे खींच करके इसको जहाँ तक लिखना होगा वहाँ तक ले जा करके सेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इधर का भी जो है ऐसे पकड़ करके आपको जहाँ तक लिखना होगा वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये देख लीजिए, अब इसमें फाइल मेनू को हम लोग समझते हैं कि फाइल मेनू में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम नोट पैड में भी आपको बताए हैं और आगे भी इसमें भी वही चीज़ बताने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसमें काम करेंगे, कैसे हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम को सेव करना, फाइल मेनू में जाइए और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिए। या दोस्तों आपको पता है कि इसका शॉर्टकट कंट्रोल एस भी क्लिक कीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको नाम पूछेगा कहाँ सेव करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर डेस्कटॉप ले लेते हैं, डेस्कटॉप पर हम लोग सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर डालते हैं ऑनलाइन पढ़ो सीखो वर्डपैड, इस नाम से हम लोग सेव कर देते हैं और ये टेक्स्ट हमारा सेव एज टाइप सेम ही छोड़ देंगे और सेव पर क्लिक। अगर आपको दूसरे जगह सेव करना है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव या किसी भी ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ से आकर के ड्राइव भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इस पर जो है क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं और डिलीट बटन दबाते हैं और हमारे इसको डिलीट कर देते हैं। अभी डिलीट हो गया, अब हमको चाहिए कि नहीं जो पहले हम डाटा सेव किए हुए हैं उसको कैसे खोलें। उसको खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ओ दबाइए या फिर फाइल मेनू पर जाकर के ओपन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ओपन पर हम क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किए हैं आपने। अभी हम लोग कहाँ किए थे, डेस्कटॉप पर किए थे, ये डेस्कटॉप हम लोग ले लिए। और डेस्कटॉप पर लेने के बाद नीचे यहाँ से स्क्रॉल करते हुए हम लोग आएंगे, स्क्रॉल जैसे ही करेंगे नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पढ़ो सीखो वर्डपैड। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने इस पर रखा बनाया था वो डॉक्यूमेंट हमारा आकर के सेव आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाते हैं और हम लोग सेव एज देखते हैं कि ये क्या करता है। सेव एज से हम लोग क्या करते हैं, तो सेव एज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में और भी कोई चीज़ ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दिए। जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ पे जा करके और ये सेव एज कीजिए या F12 दबाइए। F12 दबाने से भी हमारा सेव एज हो जाता है और इसको जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, टेक्स्ट में, ऑफिस XML में, तो आप इसको टेक्स्ट में कीजिएगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इस क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसका नाम हम दे देते हैं 1, इसको भी वहीं सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर, इसलिए मेरा ये डेस्कटॉप है और यहाँ पे 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव हो गया अब वो डॉक्यूमेंट भी हमारा है और ये डॉक्यूमेंट भी हमारा है, दोनों डॉक्यूमेंट हमारे सामने दिखेगा। अगर हम लोग इसको चाहेंगे बाद में तो खोल सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रिंट। प्रिंट करने से पहले दोस्तों हमको पेज सेटअप करने की जरूरत होता है। पेज सेटअप पर जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का सेटअप मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिलता है पेपर का साइज, कौन से पेपर पे आपको प्रिंट करना है ये दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से, तो दोस्तों आप A4 लीजिएगा जिसपे हम लोग फोटोकॉपी निकालते हैं, वो A4 सेंचुरी पेपर का आता है, A4 सेलेक्ट कीजिए या फिर आप लेटर साइज सेलेक्ट कीजिए, जो आपको इच्छा लगे उस हिसाब से सेट कर लीजिए। दूसरा सेट करने की जरूरत पड़ता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट करते हैं तो ये जो खड़ा है वो हमारा पोर्ट्रेट है और जो लैंडस्केप है ऐसे अगर हम क्लिक करते हैं ये हमारा लैंडस्केप है। ये जो एरिया है हमारा दिख रहा है वो लैंडस्केप है और इसको अगर हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगा। एज क्या आ गया, ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया। तो ये दोनों हम लोग सेट कर लेंगे, जैसे हमको प्रिंट करना है वैसे हम लोग सेट कर सकते। अब उसके नीचे हमारा है यहाँ पे देखिए बगल में साइड में है जो मार्जिन लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है। तो लेफ्ट हमारा ये साइज है और राइट हमारा ये साइज है और टॉप और बटन हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट में इसको घटा बढ़ा करके देखते हैं। इसको हम लोग 3 कर देते हैं। जैसे ही हम लोग 3 करते हैं और इसको जो हम लोग इसको भी थोड़ा सा कम कर लें, इसको जो हम लोग 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लें और टॉप में जो है टॉप में हम लोग कर लेते हैं 1.5
और हम लोग नीचे जो है बॉटम में जो है 2.5 कर लेते हैं। तो ये जो कर्ल की, तो दोस्तों ये दिख रहा होगा कि जैसे हम लोग लेफ्ट में 3 किए हैं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेकर कि ये एरिया हमारा 3, यानी इस एरिया में जो है ये 3 इंच हमारा जगह छोड़ करके अब तब प्रिंट होगा। और हम लोग देखेंगे कि जो राइट में किए हैं 2, तो ये एरिया जो है हमारा ये 2 इंच छोड़ करके प्रिंट होगा। और हम लोग टॉप में किए हैं 1.5, तो ये जो है ये जो एरिया हमारा दिख रहा है ये एरिया 1.5 हमारा जो है ये छोड़ करके प्रिंट होगा। और हम लोग बॉटम में देख रहे हैं कि हमारा है 2.5, यानी कि ये एरिया, इस एरिया में जो है 2.5 है, ये इतना एरिया छोड़ करके हमारा प्रिंट होगा। तो ये दोस्तों दिख रहा है, इतना ही सेटिंग करना है हमारा। इतना सेटिंग करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ओके दबा देते। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पेज का सेटअप कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी बटन दबाते हैं या फिर यहाँ पर करके प्रिंट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपका जो है प्रिंटर का नाम शो करेगा, यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे अगर सभी जितने भी पेज लिखे हुए हैं अगर सबको प्रिंट करना है तो ये ऑल पे क्लिक रहेगा। अगर आपको कुछ खास थोड़ा सा प्रिंट करना है, जैसे हम जैसे मान लीजिए कि इसमें जो सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन पर करना है, तो वो भी दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ से हम इतना सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट वाला प्रिंट करना है तो इस पर आ करके और प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ये सिलेक्शन कर दीजिएगा, तो जितना ये सेलेक्ट है उतना ही प्रिंट होगा, उसके आगे का प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग ऑल कर देते हैं, अभी ऑल को प्रिंट करना है। नंबर ऑफ कॉपी जितना पेज प्रिंट करना है, जिससे आपको 4 कॉपी पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पर 4 डाल देंगे और फिर क्या करेंगे अप्लाई और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमको यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, इसलिए हम लोग प्रिंट नहीं करते, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके आगे जो पार्ट 2 है, इसके आगे का जो टूल्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को